वेलकम टू मेडिकल ओशन। टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द लेक्चर 5 मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। पोस्टऑर्डिन एंड बीएसएन दोनों के लिए हैं, तो इसमें आज हम डिस्कस कर लेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस टॉपिक के हवाले से। आज हम पढ़ेंगे, हमारे पास यूनिट 5 है, 4 यूनिट हमने कंप्लीट किए, आज हम यूनिट 5 पढ़ेंगे। यूनिट 5 हमारे पास कौन सा यूनिट है? बेसिक मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि बेसिक मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, बेसिक मेजरमेंट एपिडेमियोलॉजी हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास 5th यूनिट है, इसको हम आज पढ़ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव। एट द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट आपके पास क्या है? डिस्कस द रेट रेशो इंसिडेंट एंड प्रेविलेंस। ये हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई मेटरनल एंड इन्फेंट रेट इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। फिर स्पेसिफिक कम्युनिटी में हम इस रेट को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्टिलिटी आपके पास क्या है? मॉर्टिलिटी इज़ अ टर्म यूज द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड विद इन अ पॉपुलेशंस। एक पॉपुलेशन में जितने लोग मरते हैं एक डिजीज़ की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्टिलिटी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्टिलिटी हम कहते हैं कि एक वक्त में या एक टाइम ऑफ पीरियड में आपके पास कितने लोग मरते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्टिलिटी रेट हम उसको कह सकते हैं। फिर मॉर्टिलिटी रेट आपके पास क्या है? उस नंबर को जो हम मेजर करते हैं, मेजर का मतलब क्या है कि उसको हम देखते हैं कि कितने में से कितने लोग मर गए, तो उसको हम मॉर्टिलिटी रेट कहते हैं। जो रेट हम मालूम करते हैं, तो उस रेट को हम क्या कहते हैं? मॉर्टिलिटी रेट पे हम कहते हैं। आप लोगों ने ये याद रखना है कि मॉर्टिलिटी का मतलब क्या है कि डेड पीपल, डेड पीपल। मॉर्टिलिटी का मतलब क्या है? डेड पीपल। ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि इस टर्म के हवाले से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है? मॉर्बिडिटी इज़ रेफर टू द स्टेट ऑफ बीइंग डिजीज आर अनहेल्थी विद इन पॉपुलेशंस। ये आपके पास पॉपुलेशन में डिजीज़ हो या अनहेल्दी हो, सही, एक बंदे को डिजीज़ हो या अनहेल्दी हो एक पॉपुलेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्बिडिटी। मॉर्टिलिटी डेथ आता है, तो मॉर्बिडिटी में बी आता है, बी का मतलब बेड है। तो आप लोग इस तरह याद कर लो इसको कि बी का मतलब क्या है? बेड। तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, मॉर्टिलिटी डेथ को करो लेकिन मॉर्बिडिटी, बी मीन्स बेड, तो बेड पे बीमार सोते हैं या बीमार लेटते हैं, तो तब आपको ये टर्म याद रहेगा, अदरवाइज आप इस टर्म में कन्फ्यूज होंगे। तो याद करने के लिए आपने बी को बेड के साथ आप लोगों ने वो करना है, तो इस वजह से आप लोगों को फिर अनहेल्दी या डिजीज़ जो होगा वो बेड पे होता है, तो इसलिए मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है? बेड बेड रिडन पेशेंट्स। द एक्सटेंट ऑफ इलनेस इंजरीज और डिजेबिलिटी इन आर डिफाइंड पॉपुलेशंस। एक पॉपुलेशन आपके पास है, स्पेसिफिक एक एरिया आपके पास है, उसमें जितने लोग बीमार हैं, माजूर हैं या जिनको डिजीज़ हुआ है, उसको हम लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी रेट हम फिर किस को कहते हैं? द मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ इन अ गिवन पॉपुलेशन, एग्जाम्पल प्रेविलेंस रेट एंड इंसिडेंट रेट। फिर जो आपके पास जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हम उसको देखते हैं कि उस पॉपुलेशन में हमारे पास प्रेविलेंस रेट और इंसिडेंट हम देखते हैं। अब प्रेविलेंस क्या है, इंसिडेंट क्या है, ये आगे हम पढ़ लेंगे। मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी। अब मेजरमेंट ऑफ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी में हम क्या देखते हैं? डिजीज़ फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल समराइज हम करते हैं, पब्लिक हेल्थ क्वेश्चंस आर अबाउट पॉपुलेशंस। पब्लिक हेल्थ क्वेश्चंस करते हैं पॉपुलेशन के हवाले से। द इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑफन समराइज इन एन इंडेक्स। जो हम उसको समराइज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स हम कहते हैं। उसको हम समराइज करते हैं, उसको हम इंडेक्स कहते हैं। ये टर्म्स है, इस टर्म्स को आप लोगों ने याद रखना है, इस टर्म्स से एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी असेस्ड बाय कंपेयरिंग समरी मेजरमेंट। जब हम उस चेंज पॉपुलेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को हम असेस करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? समरी मेजरमेंट उसको हम कहते हैं।
अब ये तीन टर्म्स आप लोगों ने याद रखना है कि रेशो, रेट्स एंड पॉपुलेशन क्या हैं, क्योंकि ये आप लोगों के बायो स्टेट में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। क्योंकि जब आपको रेशो, रेट और पॉपुलेशन का पता हो तो तब आप जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो या आप उससे डेटा निकाल सकते हो। अब रेशो आपके पास क्या है, रेट्स क्या है, द जनरल क्लासेस ऑफ मैथ्स पैरामीटर, ये आपके पास जनरल क्लासेस ऑफ मैथ्स पैरामीटर है। ऑफन यूज टू रिलेट द नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ डिजीज़, ये आपके पास नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज़ हम नॉमिनेटर में लिखेंगे। और अनहेल्थ आउटकम द साइज ऑफ सोर्स पॉपुलेशन डिनोमिनेटर इन विच द अगर, एक आपके पास नॉमिनेटर होता है, एक आपके पास डिनोमिनेटर होता है। जो हमारे पास सीधा एक लाइन होता है उस लाइन के ऊपर जो वर्ड्स हम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हम नॉमिनेटर लिखते हैं। जो हम नीचे लिखते हैं उसको हम डिनोमिनेटर लिखते हैं, सही। तो इसलिए आप लोगों ने नॉमिनेटर का मतलब क्या है, जो टारगेट पीपल है जिनको डिजीज़ हुआ है वो नॉमिनेटर में हम लिखेंगे, वो लाइन से ऊपर हम लिखेंगे। लाइन के नीचे हम क्या लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में आपके पास एक सिटी है या एक गांव है या एक मोहल्ला है, उसमें आपके पास 1000 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 1000। तो 1000 हम नीचे लिखेंगे, लाइन के नीचे लिखेंगे। और उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 15 लोगों को मलेरिया हुआ है या डेंगी वायरस या जो भी डिजीज़ हुआ है, डेंगी फीवर हुआ है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। जो इफेक्टेड लोग है वो हम लाइन से ऊपर लिखेंगे, जो टोटल पॉपुलेशन वो हम लाइन के नीचे लिखेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखना है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का ये मतलब है। नॉमिनेटर मीन्स केस हैज़ ऑफन टू बी फाइंड, जो आपके पास केसेस है वो डिफाइंड है, जो आपको मालूम है कि इतने केसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटर्स। और डिनोमिनेटर पॉपुलेशन साइज, कि कितने लोगों में से कितने लोगों को डिजीज़ हुए हैं, जिनको डिजीज़ हुए वो नॉमिनेटर होगा, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपके पास क्या होगा, पॉपुलेशन साइज। अब पॉपुलेशन साइज़ में आपके पास क्या, जो इफेक्टेड लोग हैं वो भी है, और जो इन्फेक्टेड लोग और जो नॉर्मल लोग हैं, दोनों हम एक साथ लेते हैं उसको हम पॉपुलेशंस कहते हैं। और जो फिर इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो हम अलग करते हैं, तो उसको हम नॉमिनेटर में लिखेंगे। पहले हम रेशो के बारे में पढ़ेंगे, रेशो आपके पास क्या है, ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय अनदर, एक क्वांटिटी को दूसरे पे डिवाइड करने को हम रेशो कहते हैं। द क्वांटिटी मे बी रिलेटेड और मे बी टोटली इंडिपेंडेंट, क्वांटिटी आपके पास क्या होगा, रिलेटेड होगा या टोटली आपके पास इंडिपेंडेंट हो सकता है, सही है। क्वांटिटी आपके पास इंडिपेंडेंट या टोटली हो सकता है। अच्छा, उसमें आपके पास एग्जांपल में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ स्टिल बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ, आपके पास नंबर ऑफ स्टिल बर्थ क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ आपके पास है 1000 में। रेशो इज जनरली टर्म्स दैट इंक्लूड रेट एंड प्रोपोर्शंस, ये आपके पास रेट और प्रोपोर्शन पे ही आपके पास कामन क्या होता है, मुश्तमिल होता है। रेशो आपके पास किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, इन दो चीज़ों पे आपके पास मुश्तमिल होता है, रेट एंड प्रोपोर्शंस पे। किस चीज़ पे, रेट एंड प्रोपोर्शंस पे। अच्छा, अब कॉमनली आपके पास रेशो का मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसको पढ़ने के बाद। डिक्शनरी द वे ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय अनदर, एक क्वांटिटी को दूसरी बार डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। ये पोर्ट्रा थ्रू में एग्जांपल ऑफ रेशो आपके पास क्या है, ऑब्जर्व द केसेस ऑफ एड्स इन अ कंट्री ए इन जून, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एड्स केसेस इन कंट्री ए ड्यूरिंग जून, ठीक। जून तक आपने क्या क्या केसेस को ऑब्जर्व किया एक कंट्री में, और एक्सपेक्टेड केसेस आपके पास कितने हैं, सही। एग्जांपल 40 केसेस आपके पास हैं स्लैश 20 केसेस, सही, 20 केसेस आपके पास एक्सपेक्टेड हैं। जितने केसेस आपके पास हुए हैं और जितने आपके पास एक्सपेक्टेड है उसको हम लेंगे। अब कितने केसेस हुए आपके पास, आपके पास केसेस हुए 40 केसेस, और एक्सपेक्टेड आपके पास कितने हैं, डिवाइड बाई 20 केसेस उस कंट्री में जून में, सही। अच्छा, तो आपके पास क्या रेशो, उसका रेशो क्या आता है आपके पास, जी इसका रेशो आपके पास क्या आता है, 40 डिवाइड बाय 20। हेलो, इसका रेशो हमारे पास 2 आता है, 40 डिवाइड बाय 2 आपके पास रेशो, इसमें यूनिट नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ रेशो, एग्जाम्पल आपके पास क्या, आर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स पॉपुलेशन साइज,
R means number of hospital, population size, R may be multiplied by K, R को हम K के साथ multiply करते हैं, वो 10,000 आपके पास हुए, 10,000 आपके पास क्या है, unit hospital per 10,000 people, hospital में per 10,000 people के हिसाब से वो आते हैं, उसको service देते हैं. Suppose R, 4 hospital divided by 20,000 people, अब 4 hospital हैं, तो उसमें 20,000 people हैं, तो उसमें आपके पास क्या आएगा, इसको हम जब divide करते हैं, 0.002 hospital per person आता है. तो 0.002 पर पर्सन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 के साथ, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2 हॉस्पिटल पर 10,000 आपके पास आएगा, 2 हॉस्पिटल पर 10,000 आपके पास आएगा, यूनिट आपके पास हॉस्पिटल पर 10,000, एक हॉस्पिटल आपके पास 10,000 आ जाएंगे. आज इसका मैं सिंपल एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ रेशो का. आपके पास क्या है, अच्छा एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, आपके पास 2 ऑरेंज है और 3 एप्पल्स हैं, तो उसका रेशो क्या होगा, 2 ऑरेंज है और 3 एप्पल है, उसका रेशो क्या होगा, 2:3 आपके पास होगा, 2:3 आपके पास होगा. अच्छा प्रोपोर्शन आपके पास क्या है, अ रेशो इन विच डिनोमिनेटर इज इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर आपके पास इंक्लूड होता है डिनोमिनेटर के हिसाब से. एग्जांपल द नंबर ऑफ फेटल डेथ आउट ऑफ टोटल नंबर बर्थ, जब आपके पास नंबर ऑफ फेटल डेथ होते हैं टोटल नंबर बर्थ के हिसाब से, नंबर ऑफ फेटल डेथ लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ मल्टीप्लाई बाय. जी सर, ये जो रेशो की एग्जांपल है वो समझने है, काइंडली वो रिपीट कर दें प्लीज. जब मैं पूछ रहा था आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी गया. सर बीच में आवाज कट रही है इसलिए. अच्छा रेशो की एग्जांपल यही है, मैं आपको समझाऊं, अपने साथ कॉपी और पेन आप उठाओ और लिखो. आपके पास नंबर ऑफ हॉस्पिटल आप लिखो, सही है, आपको एग्जांपल देते कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल आपके पास कितने, 4 नंबर ऑफ हॉस्पिटल हैं, सही, और आपको कहते हैं कि उस 4 नंबर ऑफ हॉस्पिटल के पास 20,000 पीपल को वो सर्विस देते हैं, 20,000 पीपल को वो सर्विस देते हैं. जब हम उसको डिवाइड करते हैं 4 को 20,000 पे, तो आपके पास क्या आता है, 0.0002 आता है हॉस्पिटल पर पर्सन, सही है. तो इतने पर्सन आपके पास एक हॉस्पिटल में वो आपके पास जाएंगे, फिर तो फिर उसको हम क्या करते हैं, हम उसको के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. के का आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, 10,000 आपके पास क्या है, उन्होंने कांस्टेंट लिया है, सही, पॉपुलेशन साइज उसने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है. तो उसको जब हम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे आपके पास 2 हॉस्पिटल पर 10,000 आते हैं, 2 हॉस्पिटल पर 10,000 आते हैं. अब 2 हॉस्पिटल में आपके पास पर 10,000, तो यूनिट पर हॉस्पिटल आपके पास 10,000 आएंगे. वो क्यों 10,000 आएंगे, इसलिए क्योंकि आपके पास, जब आपके पास हॉस्पिटल आपके पास 4 हैं, सही, और लोगों की तादाद आपके पास 20,000 है, तो पर हॉस्पिटल उसने कहा कि मीन जब प्रोपोर्शन अ रेशो इन विच द नॉमिनेटर एक्स इज इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर वाई. एग्जांपल द नंबर ऑफ फेटल डेथ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ फेटल डेथ डिवाइड बाय लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ मल्टीप्लाई बाय 100. आंसर ऑफन रीड एज अ परसेंटेज. डिक्शनरी अ टाइप्स ऑफ रेशो इन विच द नॉमिनेटर इन इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर्स. अच्छा प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या है कि जब आपके पास एक रेशो होती है नॉमिनेटर्स की, उसको हम एक्स में लेंगे, जब और डिनोमिनेटर को हम वाई लेंगे, तो एक्स बाई वाई आपके पास क्या होगा, प्रोपोर्शंस हम एक्स बाई वाई लेंगे. तो ये एक्स और वाई हमने क्या किया है, सपोज किया है, हमारे पास जो वैल्यू होगी हम इस हिसाब से आप उसमें लगाएंगे. अच्छा उसके बाद एग्जांपल उसने लिया है कि नंबर ऑफ फेटल डेथ आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बर्थ. अब फॉर एग्जांपल एक कंट्री में या एक जगह में एक स्पेस में आप प्रोपोर्शंस को मालूम करते हो, तो उसमें आपने क्या करना है, एक स्पेसिफिक एरिया को आपने लेना है, उसमें आपने पॉपुलेशन को लेना है, सही. तो स्पेसिफिक पीपल एरिया में और स्पेसिफिक टाइम में आपके पास जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें जितने मरते हैं, सही, तो उसको आपने लेना है कि कितने बच्चे पैदा हो गए उसमें कितने बच्चे आपके पास मर गए, तो उसको रेशो को अपने इसके अंदर लेना है. नेक्स्ट आपके पास है कि नंबर ऑफ फेटल डेथ लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ मल्टीप्लाई बाय 1,000.
अब टोटल पॉपुलेशन हो क्या है उसमें वो डिपेंड करता है कि आपके पास डेथ कितने हुए, लाइव बर्थ कितने हुए, मींस बच्चे जिंदा कितने पैदा हुए, डेथ कितने हुए और स्टिल बर्थ, और बर्थ होने के लिए नज़दीक कितने हैं, मींस कितने जो है उसकी लास्ट स्टेज है प्रेगनेंसी की या लास्ट स्टेज है पैदाइश की, तो आपके पास कितने हैं। आंसर ऑफन रीड एज अ परसेंटेज, इसको हम परसेंटेज में हम लेते हैं, इसका जवाब किस चीज़ में होता है, परसेंटेज में होगा। डिक्शनरी अ टाइप्स ऑफ रेशियो इन विच द नॉमिनेटर इज इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर, इसमें नॉमिनेटर भी इंक्लूड होता है और डिनोमिनेटर भी इसमें क्या होगा इंक्लूड होगा, जिसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंक्लूड होंगे। अगर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर इसमें नहीं है तो फिर ये आपके पास प्रोपोर्शन हम मालूम नहीं कर सकते, इसलिए नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इसमें होंगे। अब हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं प्रोपोर्शंस की। इन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, इन का मतलब क्या नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में वो बंदे जो इंडिविजुअल हम लेते हैं एक एक बच्चे को हम लेते हैं उसको हम नंबर कहते हैं। एक्स का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ सेम पॉपुलेशन पोजेस कैटरिक्स सी, जिसके पास वो कैटरिक्स होते हैं सी के, प्रोपोर्शन इन पॉपुलेशन विच कैटरिक्स सी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एन। अच्छा अब प्रोपोर्शन में आपके पास क्या है कि जब हमारे पास ये कॉमन वैल्यू से इस नाम को आप लोगों ने याद रखें कि एन आपके पास क्या है, एक्स आपके पास क्या है और सी आपके पास क्या है, सही, तो इसको जब हम याद रखेंगे तो तब हम फार्मूला हमारे पास आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा P taken on a value between 0 and 1, P is a fraction, P has no value, P has multiplied by a constant K, where the K is a number such as 100, 1000 and 10,000. अच्छा ये K की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, नॉर्मल होगी, ये बात आप लोगों ने याद रखना है। K की वैल्यू के पास क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, नॉर्मल होगी, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि वो आप 100 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, 10,000 भी ले सकते हो, वो आपके क्वेश्चन में जो देते हैं वही आपके पास होगा, जो क्वेश्चन में आपको देते हैं वही आपके पास क्या होगा, के की वैल्यू होगी। एग्जांपल ऑफ प्रोपोर्शन आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनेट मॉर्टिलिटी। अब हम प्रोपोर्शनेट करते हैं मॉर्टिलिटी रेट हम मालूम करते हैं। इन 1995 53% ऑफ ऑल डेथ इन अफ्रीका वर चाइल्ड अंडर एज 5। अब अफ्रीका में 1995 में 53% हमने पढ़ा था कि प्रोपोर्शन को हम हमेशा परसेंटेज में लेंगे, 53% लोग जो थे वो मर गए थे अंडर 5 एज, 5 साल से पहले पहले वो मर गए थे। अब पी एफ के पास 0.53 या 53% भी हम लिख सकते हैं, 0.53 या 53% भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 0.53 को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसे 53 ही आता, सही, तो 53 पर 100। अब 100 में से 53 लोग जो थे वो इसमें मर गए थे, सही। फिर इसी तरह अगर हम उसको 1000 में करते तो 530 पर 1000, 530 आपके पास 1000 में फिर वो होंगे, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में हिसाब से लेते, 53% है, अगर हम 100 में से लेंगे तो 53 होंगे, अगर हम 1000 में लेते तो 1000 में आपके पास 53% 530 है, कितना है 530 है, क्योंकि जब हम उसको डिवाइड करते या मल्टीप्लाई करते तो हमें पास यही आंसर आएगा। अगर हम पॉपुलेशन 100 लोगों का लेते तो 100 में अगर 53 बच्चे मर जाते हैं, फॉर एग्जांपल टोटल प्रेगनेंसी कितनी होती है 100 होती है। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ कि 2023 में एक छोटा सा गांव है उसमें टोटल प्रेगनेंसी कितनी हो गई थी 100 हो गई थी, लेकिन 100 प्रेगनेंसी में अंडर 5 एज के 5 साल से पहले जो बच्चे थे वो मर गए थे, वो कितने मर गए थे 53 बच्चे मर गए, सही, बाकी आपके पास क्या आते हैं 47 आपके पास जिंदा रह गए। तो अभी आपसे पूछते हैं कि मॉर्टिलिटी रेट क्या है, मॉर्टिलिटी किस चीज़ को कहते हैं, डेथ रेट को कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं, डेथ रेट को कहते हैं। तो फिर हम उसको पी वैल्यू आपके पास 0.53 उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो 100 में आपके पास 53% आया, अगर उसको हम 1000 करते तो आपके पास 530 आता है, क्या आता है 530 आता है, तो ये आपके पास 530 पर 1000 होंगे। अच्छा अब रेट पर हम जाते हैं, रेट आपके पास क्या है, अ मेजरमेंट ऑफ हाउ क्विकली समथिंग ऑफ इंटरेस्ट हैपन। Example, the number of new cases of Parkinson's disease which develop per 1000 person year of follow-up. अब रेट में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट हाउ क्विकली समथिंग ऑफ इंटरेस्ट हैपन, कितनी जल्दी हम एक चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं उसको हम मालूम करते हैं उसको हम रेट कहते हैं,
सही, द नंबर ऑफ़ न्यू केसेज ऑफ पार्किंसन डिजीज़, नंबर ऑफ़ न्यू केसेज, रेट का मतलब क्या है कि न्यू केसेज, जब न्यू एक डिजीज़ आ जाता है उसमें हम रेट मालूम करते हैं कि न्यू केसेज आपके पास कितने हो गए डेवलप हुए पर 1000 पर्सन ईयर ऑफ फॉलोअप, इसको हम फॉलोअप करते हैं पर ईयर कितने हो गए, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर डेंगी आपके पास कितनी हुई थी या इस ईयर आपके पास डेंगी कितनी हुई, तो इसको हम क्या कहते हैं रेट के हिसाब से हम मालूम करते हैं। टाइम प्लेस एंड प्रोपोर्शन मस्ट बी स्पेसिफाइड फॉर ईच टाइप्स ऑफ रेट, रेट के लिए आपके पास तीन चीज़ों की ज़रूरत है, किस चीज़ की, टाइम पर्सन एंड पॉपुलेशन, अगर टाइम पर्सन पॉपुलेशन आपके पास नहीं है तो आप रेट मालूम नहीं कर सकते हो। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रेट इन अ रेट नॉमिनेटर्स मे और मे नॉट बी अ सबसेट ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपके पास हो या ना हो या सबसेट आपके पास डिनोमिनेटर हो, सही, इसमें डिनोमिनेटर कंपलसरी नहीं है, रेट में डिनोमिनेटर कंपलसरी नहीं है, रेट में और मे नॉट बी अ प्रोपोर्शन, रेट आपके पास प्रोपोर्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो इससे आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं कि रेट आपके पास प्रोपोर्शन है या नहीं है, मे भी हो सकता है भी हो भी नहीं सकता है, और इस तरह आपके पास इसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब प्रोपोर्शन रेट्स की प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, द कैलेंडर टाइम स्पिरिट इज़ अ सेम इन अ बोथ इन द नॉमिनेटर इन डिनोमिनेटर ऑफ द रेट, रेट में आपके पास कैलेंडर टाइम सेम होगा, मींस ईयर अगर आप लेते हो मंथ ले तो आपके पास क्या होगा सेम होगा। द रेट एक्सप्रेस द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट पर यूनिट रिस्क, रेट आपके पास क्या मालूम करता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है कि रिस्क क्या इतना है, एग्जाम्पल आपके रेट क्या है आपके पास, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर, एक साल में आपके पास 1000 में कितने लोग मर गए थे, अगर 1000 बच्चे पैदा हुए थे उसमें आपके पास कितने मर गए थे। इन्फेंट मॉर्टलिटी इज़ अ रेशो, इन्फेंट मॉर्टलिटी आपके पास क्या है एक रेशो है, इन्फेंट मॉर्टलिटी इज़ नॉट अ प्रोपोर्शन, ये आपके पास प्रोपोर्शन नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर इज़ नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, क्योंकि इसमें नॉमिनेटर आपके पास नेसेसरी पार्ट नहीं है डिनोमिनेटर के। सम इन्फेंट मे हैव बीन बॉर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर ईयर, क्योंकि इसमें कुछ लोग प्रीवियसली भी पैदा हो गए थे, प्रीवियस कैलेंडर ईयर मीन्स उसमें भी पैदा हुए थे, इसलिए आपके पास उसका में रेशो है प्रोपोर्शन नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ रेट आपके पास क्या है, इसमें एक इंसिडेंट एक प्रेवलेंस रेट है, सही, इंसिडेंट मेजरमेंट ऑफ न्यू केसेज ऑफ डिजीज दैट डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में आपके पास जब न्यू केसेज डेवलप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं प्रेवलेंस कहते हैं, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि प्रेवलेंस क्या है, उसमें न्यू केसेस डेवलप हुए। वेरी हेल्पफुल फॉर इटियोलॉजी कॉज इन्फेरेंस डिफिकल्ट टू एस्टिमेट्स इम्प्लाइज फॉलो अप ओवर द टाइम्स कोहॉर्ट्स डिज़ाइन, हम इसको कहते हैं, ये आपके पास क्या होता है मेजरमेंट हम करते हैं न्यू केसेज ऑफ डिजीज जब डेवलप होते हैं ओवर द टाइम ऑफ पीरियड के हिसाब से, तो इसमें आपके पास ये कोहॉर्ट स्टडी के हिसाब से हम इसको डिज़ाइन हम करते हैं। अब इसका एस्टीमेट हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम इसका एस्टीमेट लगाए, एस्टीमेट का मतलब ये कि हम खुद से एक चीज़ लगाए कि इतना होगा। प्रेविलेंस आपके पास क्या है, मेजरमेंट एग्जिस्ट द केसेस ऑफ अ डिजीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ टाइम्स और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वेरी हेल्पफुल फॉर क्वान्टिफाइड डिजीज बर्डन्स पब्लिक हेल्थ रिलेटेड इजी टू एस्टीमेट एम्प्लाइज अक्रॉस क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। आपके पास जो इंसिडेंट होते हैं वो कोहॉर्ट स्टडी के हिसाब से हम करते हैं और जो आपके पास प्रेवलेंस है वो क्रॉस सेक्शन स्टडी के हिसाब से हम करते हैं, ये आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब कोहॉर्ट स्टडी क्या है, क्रॉस सेक्शन स्टडी क्या है, वो स्टडी डिज़ाइन हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, दो चीज़ें, एक में आपके पास एस्टीमेट डिफिकल्ट होते हैं, इसमें रिलेटिवली ईजी एस्टीमेट आपके पास होता है, सही, और ये आपके पास ओवर टाइम पीरियड ऑफ टाइम हम लेते हैं, सही, और वो आपके पास क्या होता है डेवलप अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप होता है ये ओवर होता है। अब आपके पास प्रेवलेंस विद इंसिडेंस क्या है, प्रेवलेंस कैन बी व्यूड एज डिस्क्राइब अ पूल ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन, ये आपके पास प्रेवलेंस का मतलब क्या है, एक पाउच है उसमें क्या है डिजीज जमा होते हैं, और इंसिडेंट क्या है, जो न्यू डिजीज आपके पास होता है उसमें एंटर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं इंसिडेंट कहते हैं, जिस तरह आप लोग इमेज में देख सकते हो, सही, फिर उससे एट द एंड ऑफ डेथ हो सकता है या रिकवर होगा या डेथ होगा। इंसिडेंट डिस्क्राइब द इनपुट फ्लो ऑफ न्यू केसेज इन टू अ पोल, इंसिडेंट का मतलब क्या है कि उस पोल में न्यू केसेज किस तरह जमा होते हैं, आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक बर्तन है, उस बर्तन में आप पानी ऐड करते हो, जो पानी उसमें पड़ा हुआ है वो आपके पास क्या है प्रेवलेंस है, जो न्यू पानी आप उसमें ऐड करते हो या डालते हो तो आपके पास क्या हुआ इंसिडेंट हुआ, ये एक एग्जाम्पल आपके पास है। डेथ एंड केयर रिफ्लेक्ट द आउटपुट फ्लो फ्रॉम द पोल,
अब इसमें आपको देते हैं हम के डेथ और केवर्ड, दो बातें होगी, या इस पोल से मरीज़ ठीक होगा या मरीज़ और ख़राब होगा। ठीक किस तरह होते हैं और ख़राब किस तरह होते हैं, मरीज़ बेहतरी की तरफ आएगा या मरीज़ जो है उसकी हेल्थ और डिटोरेट हो सकता है, डेथ की तरफ जा सकता है। मेजरमेंट ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, इंसिडेंट मीन न्यू केसेज और प्रेवलेंस मीन एग्जिस्टिंग केसेज, न्यू केसेज प्लस एग्जिस्टिंग केसेज हम इसमें लेते हैं। अब इंसिडेंट केसेज ऑफ एड्स इन गे मेन, सही। अब आपके पास एड्स के हिसाब से हम इसके डेटा लेते हैं, एड्स आपके पास इंसिडेंट केस इन एड्स इन गे मेन में कितने हैं, माइल 1990s टू 1980s टू 1990s एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट्स रिड्यूस द रिस्क बिहेवियर्स, प्रेविलेंस केस ऑफ एड्स इन गे मेन इज मेट 1980s टू 1990s इज ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग लाइफ। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप रिस्क को कम करते हो, बिहेवियर को उसके कम करते हो, तो ये आपके पास केसेस क्या होंगे, कम होंगे, सही। लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं, एड्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसको हम अगर मेडिसिन वगैरह हम देते हैं उसको आपके पास जस्ट क्या कहते हैं, प्रोलॉन्ग लाइफ कर सकता है, लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है। और जो उसका बिहेवियर है वो अब उसका रिस्क कम कर सकता है, ठीक। जो उसके बिहेवियर है जिससे एड्स लगता है, उस बिहेवियर से उसका रिस्क क्या होता है, कम हो सकता है, मीन न्यू केसेस आना बंद हो सकते हैं, न्यू केसेस आना कम हो सकते हैं। कम्युलेटेड इंसिडेंट आपके पास के सही सी आई के साथ हम करते हैं, उसको हम आई डिवाइड बाय एन लेते हैं। आई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ न्यू केसेस ड्यूरिंग द फॉलोअप, न्यू केसेस फॉलोअप में आते हैं, और एन का मतलब कि नंबर ऑफ़ डिजीज फ्री सब्जेक्ट एट स्टार्ट ऑफ फॉलोअप, स्टार्ट ऑफ फॉलोअप में जो डिजीज हो उसको हम एन लेते हैं, और जो आपके पास न्यू केसेस आते हैं उसको हम आई के साथ हम डिनोट करते हैं। मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडिशनल ऑफ अ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज एंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एनुअल इंसिडेंट, ये आपके पास मजर करते हैं फ्रीक्वेंसी को ऑफ एडिशनल ऑफ अ न्यू केसेस ऑफ डिजीज ऑलवेज कैलकुलेटेड अ गिवन टाइम पीरियड्स एनुअल इंसिडेंट। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड हम लेते हैं, उस टाइम पीरियड के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपने सर्वे किया तो वहाँ पे आपके पास एड्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 38 थे, फिर आप कहते हो कि अभी उस जगह पे आप डिफरेंट उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करते हो, डिफरेंट टेस्ट करते हो कि उधर आपके पास न्यू केसेस कौन सा आएगा, न्यू केसेस किस तरह आएंगे, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, जो न्यू केसेस को हम देखते हैं फिर उसको हम क्या कहते हैं, न्यू केसेस, हम उसमें किस तरह आते हैं और कौन कौन से केसेस आपके पास न्यू आ सकते हैं। अच्छा, मस्ट ऑलवेज स्टेट द टाइम पीरियड सिंस इट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली कैप्चर इन CI कम्युलेटेड इंसिडेंट में आपके पास क्या होता है कि ये टाइम कैप्चर के बगैर ये आपके पास नहीं होते, तो हमने एक स्पेसिफिक टाइम लेना है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड लेना है, उसके हिसाब से हमने क्या करना है, न्यू केसेस को और ओल्ड केसेस को हमने क्या करना है, उसको हमने साथ में लेना है। प्रेविलेंट केसेस मस्ट बी एक्सक्लूडेड बिफोर फॉलोअप, इसको हम मस्ट बी एक्सक्लूड करते हैं फॉलोअप से, हम क्या करते हैं पहले हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। इनिशियली आइडेंटिफाई ए पॉपुलेशन, पहले हम क्या करते हैं पॉपुलेशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद आपके पास डिटरमाइन हु हैज द डिजीज एंड हु डज नॉट, अब किसको डिजीज है किसको नहीं है, तो इस मीन्स हम क्या करते हैं हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीन से हम मालूम करते हैं कि किस बंदे को डिजीज है और किस बंदे को डिजीज नहीं है। अच्छा, फॉलो अप ओनली दोज हु डिड नॉट हैव द डिजीज एट बेसलाइन, फिर हम फॉलो अप करते हैं उसको जिसको डिजीज़ आपके पास बेसलाइन हो, डिड नॉट हैव द डिजीज़ एट बेसलाइन, जिसको डिजीज़ आपके पास उस बेसलाइन पे नहीं हो। प्रेविलेंट केसेस में हम क्या क्या मालूम करते हैं कि किसको डिजीज़ है और किसको डिजीज़ नहीं है, फिर फॉलो अप दोज हु हैव डिड नॉट हैव द डिजीज़ एट बेसलाइन, फिर फॉलो अप में हम देखते हैं कि किसको डिजीज़ था, किसका डिजीज़ ख़त्म हुआ, किसका नहीं ख़त्म हुआ। अब एग्जाम्पल में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, इन मीन्स नंबर आपके पास कौन कितने हैं टोटल मेंस के, आपके पास 1000 है, एज उसका कितना है 45, और 50 डेवलपमेंट प्रोस्टेट कैंसर आपके पास हुए। इंसिडेंट आई का मतलब क्या है, ठीक, आपके पास 50 आपके पास प्रोस्टेट जो न्यू केसेस आपके पास आए वो आपके पास कितने हैं 50, सही, 50 आपके पास डेवलप हुए प्रोस्टेट कैंसर के। फॉलो अप आपके पास 10 ईयर, 10 साल बाद आपके पास उसका फॉलो अप है, 10 साल में आपके पास हम देखते हैं नो वन विदड्रॉ फ्रॉम द स्टडी, इसमें ये होता है कि प्रोलॉन्ग स्टडी होती है कोई स्टडी से तो विदड्रा नहीं करते। अब फॉर एग्जाम्पल आपने टोटल कितने 1000 मैन लिए आपने, उसमें आपके पास फॉलो अप आप उसको करते हैं 10 साल के लिए, तो उसमें आपके पास 50 केसेज डेवलप हुए थे किसी चीज़ की प्रोस्टेट कैंसर के,
और कोई भी बंदा उसने 1000 में किसी ने कोई किसी ने डेथ हो गई, न किसी ने माइग्रेशन किया मीन्स विड्रा उसने, न किसी ने उस फॉलो अप को छोड़ा। अब फॉलो अप को छोड़ने के लिए दो तीन चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि वो अपनी मर्जी से कहते हैं कि बस आज के बाद मैं नहीं आऊँगा, मैं फॉलो अप नहीं कर सकता। दूसरा, वो माइग्रेट होता है उस प्लेस से या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें इस तरह कुछ नहीं था। कम्युलेटेड इंसिडेंट का मतलब है आई डिवाइड बाय एन, आई मीन्स न्यू केस आपके पास 50 है, टोटल आपके पास ऑपरेशन 1000 था, तो ये आपके पास उसको हम जब डिवाइड करते हो आपके पास 0.05 आता है, तो इट मीन्स 5% आए। कितने आपके पास आए? 5% आ गए। अब 10 ईयर रिस्क आपके पास क्या है? 5% है। कितना है? 5%। 10 ईयर में आपके पास के रिस्क कितना हुआ? 5% हुआ। अब इस तरह हम देखते हैं कि मीन्स अगर आप दोबारा 1000 को लेते हो, उसमें आपके पास 5 लोगों को चांस, 5% लोगों को ख़तरा है कि उसको भी प्रोस्टेट डेवलप हो जाए, तो ये हमारे पास रिस्क हुआ। कम्युलेटेड इंसिडेंट आपके पास मोस्ट कॉमन वे टू एस्टिमेट द रिस्क, ये हम रिस्क के लिए मालूम करते हैं। जिस तरह हमने ऊपर फार्मूले हम देख लें 5% रिस्क है, कितना रिस्क है? 5%। तो इसलिए हम कहते हैं मोस्ट कॉमनली हम मालूम करते हैं किस चीज़ के लिए? रिस्क के लिए। ऑलवेज प्रोपोर्शंस बाउंडेड बिटवीन 0 एंड 1, ये आपके पास 0 एंड 1 के बीच में बाउंड होता है। एज्यूम अ फिक्स और क्लोज कोहॉर्ट्स नो एग्जिस्ट अलाउड फॉर ब्रीफ स्पेसिफिकेशन पीरियड्स ऑफ टाइम्स एग्जाम्पल एंड आउटब्रेक्स कॉमनली कॉल्ड एन अटैक्स रेट। जब आपके पास एक आउटब्रेक होता है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? अटैक ब्रेक कहते हैं। अटैक ब्रेक मीन्स आउटब्रेक का मतलब कि एक डिजीज़ है एक इलाके से वो ज़्यादा फैल जाता है, उसको हम कहते हैं आउटब्रेक कहते हैं। या एक टाइम पे बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आउटब्रेक हम कह सकते हैं। अच्छा, इन रियलिटी एट्रेशन इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, लॉज ऑफ फॉलो अप डेथ एंड कंपेटिंग रिस्क। अब ये आपके पास क्या होता है रियलिटी में, आपके पास जो लोग होते हैं ह्यूज पॉपुलेशन में उसको लॉज ऑफ फॉलो अप होता है, डेथ हो जाती है या वो खुद नहीं आना चाहता या वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। फार्मूला डज नॉट रिफ्लेक्ट कंटिन्यूसली चेंजिंग पॉपुलेशन साइज एंड डायनेमिक कोहॉर्ट्स ओपन पॉपुलेशन डज नॉट अलाउ द सब्जेक्ट टू बी फॉलो फॉर डिफरेंट टाइम्स इन रियलिटी ऑफ वन हैज़ टू डील विद लॉज कंपेटिंग रिस्क एट्रीब्यूट डायनामिक्स कोहॉर्ट्स एंड डिफरेंस फॉलो अप टाइम्स सो द रेट बिकम्स मोर रिलेटेड। पर्सन टाइम एंड रेट्स आपके पास क्या है? इंडिविजुअल में भी एक्सपोज टू अ रिस्क ऑफ एन इवेंट्स फॉर वेरिंग्स अमाउंट ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग अ टोटल टाइम्स पीरियड ऑफ अ सर्टन लेंथ Due to entertaining of time periods later, leaving the time periods earlier, experience of the event of interest, person times is calculated combine the person in times in the sum of the individual units of times that pupil has have been exposed to a risk or of an event. It used to denominator of a person time rates and often to epidemiology and vital statistic. Achha. पर्सन टाइम एंड रेट्स में आप क्या देखते हो कि इसमें हम टाइम पीरियड हम एंट्रिंग हम देखते हैं कि लेटर एंटर करते हैं या वो उस जगह चीज़ को छोड़ लेते हैं, लेटर एंट्रेंस या उसको छोड़ लेते हैं तो उसको हम देखते हैं। सही, क्यों छोड़ लेते हैं, क्यों लेटर एंटर करते हैं, सही, वो भी अलग एक कहानी है। सही, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि उसको माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या उसको कोई इशू आ जाती है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उस वजह से वो क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को छोड़ लेते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट, अब एक्सपीरियंस उसका क्या है इवेंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है? पर्सन टाइम्स कैलकुलेटेड कंबाइन द पर्सन इन टाइम्स, पर्सन की टाइम क्या है आपके पास, क्या वो टाइम वो दे सकता है नहीं दे सकता है, उसके रिस्क इवेंट में वो आ सकता है नहीं आ सकता है, तो ये चीज़ें आपके पास हैं। इंसिडेंट डेंसिटी आपके पास क्या है? सही, इंसिडेंट रेट आपके पास क्या है? आई मीन द नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग फॉलो अप में आपके पास कितने केस होते हैं? पीटी का मतलब टोटल टाइम द डिजीज फ्री इंडिविजुअल इन अ कोहॉर्ट एंड ऑब्जर्विंग ओवर द स्टडी पीरियड्स टोटल पर्सन टाइम एक्सपीरियंस आप अ कोहॉर्ट, टोटल पर्सन टाइम एक्सपीरियंस हम उसमें देखते हैं कि आपके पास ये कितना है। सिनेमा के पास के हैज़र्ड रेट, इंसिडेंट डेंसिटी रेट एंड पर्सन टाइम इंसिडेंट, ये आपके पास सेम है, हैज़र्ड रेट, इंसिडेंट डेंसिटी रेट एंड पर्सन टाइम इंसिडेंट ये आपके पास है। डिस्टिंक्ट द एवरेज पर्सन टाइम इंसिडेंट रेट, आपके पास हम एवरेज पर्सन टाइम इंसिडेंट रेट हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें मालूम करते हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, जी
ये तो बहुत मुश्किल चैप्टर है, ये मुश्किल भी है और ये जब तक आप एग्जांपल नहीं करते तब तक समझ नहीं आती। ये एक्चुअली ये है कि क्लास में आप लोग हो, व्हाइट बोर्ड पे इंसान कर ले तो इंसान आसानी से समझ आती है, लेकिन ऑनलाइन में इस तरह की चीज़ें बताने से वो चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, फिर समझ नहीं आती है। सर इसमें से एमसीक्यूज किस तरह की होंगे, मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ। MCQs इसमें यही तरह होंगे जब, क्योंकि बीच बीच में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इंसिडेंट डेंसिटी रेट आपके पास है, सही, उसका फार्मूले क्या है, सही, या फार्मूला आप लेते हो तो उसमें किस चीज़ में आपके पास कितने केसेस आपके पास आ जाते हैं, इसके MCQs में आप लोगों के साथ शेयर कर। नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आ जाते हैं इसमें, सॉरी, कुछ ना कुछ MCQs न्यूमेरिकल आ जाते हैं, लेकिन सब न्यूमेरिकल इसमें नहीं होते, न्यूमेरिकल इसमें सब जो है वो कंसेप्चुअल होते हैं। सही, अच्छा सर अभी कितना पढ़ना है और हमने? ये 10:30 तक। 10:30 तक सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर तो। ये तो कोर्स है, मैं चाहता हूँ कि कोर्स में ख़त्म करूँ फिर मैं आप लोगों से ऑनलाइन टेस्ट ले लूँ ना, तो ऑनलाइन टेस्ट में आप लोगों को ये फ़ायदा होगा, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूँगा, चैप्टर वाइज मैं आप लोगों से टेस्ट लूँगा, तो आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगी कि MCQs किस तरह आएंगे। दूसरा यही होगा कि कोर्स टाइम पर ख़त्म हो जाएगा, इस तरह अगर हम कम कम पढ़ते हैं, हफ्ते में एक क्लास होती है, तो फिर कोर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है सर, क्योंकि हफ्ते में 2 घंटे क्लास होती है जस्ट। अच्छा आप ठीक है सर, लेकिन प्लीज़ पूरा चैप्टर ना पढ़ाइएगा, हाफ कीजिएगा। अच्छा अब आप देख लो, सिर्फ अब मुझे आप एक स्टूडेंट हो 20 में, सिर्फ आप रिस्पांस दे रही हो, बस कोई स्टूडेंट मुझे रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो इट्स मीन्स फिर वो इंटरेस्ट हमारा भी नहीं रहता है। अच्छा एग्जांपल में हम देख लें, हाइपोथेटिकल कोहॉर्ट्स ऑफ 12 इनिशियली डिजीज फ्री सब्जेक्ट आपके पास फॉलो अप ओवर द 5 ईयर पीरियड्स फ्रॉम 1990 टू 1995। अब इसमें हम देख लें 1990 से लेकर 1995 तक 5 ईयर का पीरियड आपके पास टाइम है, इसमें जो एक्स का निशान जहाँ पे लगा है तो इसमें यहाँ पे डिजीज़ है, सही। अब टोटल नंबर इसमें आपके पास कितने हैं तो एक्स से हम मालूम करते हैं, सर हम 700 सुन रहे हैं ना, इसलिए रिस्पांस नहीं दे रहे, जहाँ समझ नहीं आएगी वो आपसे पूछ लेंगे। अच्छा सही है, थैंक यू सो मच। अच्छा ये एग्जांपल है, ये आप लोगों को इस तरह समझ नहीं आती है, सही। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, 20 न्यू केसेस पर 100 पर ईयर आते हैं, तो 2000 में आपके पास 200, फिर आपके पास 1000 के आएंगे, तो इसमें जो ऊपर डायग्राम में आप लोग देख लो जहाँ पे एक्स लिखा है, तो इसमें ये आपके पास एक केसेस आया, सही, एक केसेस, फिर टू पे आपके पास जो है वो दूसरा केसेस आया, फिर कितने टाइम के हिसाब से 1.5 ईयर में आपके पास कितने आए, 2.5 ईयर में आपके पास कितने आए, और 3 एंड 5 ईयर में आपके पास कितने आए, ये पूरा उन्होंने 1990 से लेकर 191 तक आपके पास कोई केसेस इसके बीच में नहीं है, फिर 191 से लेकर 192 तक के बीच में आपके पास वन केस है, क्या है, वन केस आपके पास है, फिर 1.5 ईयर में भी आपके पास वन केस है, तो ये एक्स का मतलब क्या है, ये डिजीज़ आपके पास है, और ये ज़ीरो का मतलब क्या है, डेथ है आपके पास, ज़ीरो का मतलब क्या है, डेथ है, तो इसमें आप डिजीज़ और डेथ दोनों मालूम कर सकते हैं। आप उससे पूछते हैं कि डिजीज़ में कितने, 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास डिजीज़ हो गए, डेथ कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 आपके पास डेथ हो गए, तो यही उन्होंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, तो उस हिसाब से उन्होंने वो लिया है। अच्छा प्रेवलेंस में हम जाते हैं, प्रेवलेंस मेजरमेंट एग्जिस्ट इन केस ऑफ हेल्थ कंडीशन इनहेरिटली बेस्ड टुवर्ड्स द इंक्लूजन ऑफ सर्वाइवर्स, प्राइमरी आउटकम्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल स्टडी एग्जाम्पल इज सैम्पल सर्वे। टू टाइप्स ऑफ प्रेवलेंस आपके पास है, पॉइंट प्रेवलेंस एंड पीरियड प्रेवलेंस। अब पॉइंट प्रेवलेंस आपके पास क्या है, पी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई एन, सी का मतलब क्या है, ऑब्जर्व द केस एट अ टाइम्स, एंड एन मीन्स पॉपुलेशन एट अ टाइम, उस टाइम में आपके पास कितने केसेस थे, उस टाइम में आपके पास कितने पॉपुलेशन है, तो उसको हम पॉइंट प्रेवलेंस कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, टाइम में हम मालूम करते हैं। पॉइंट प्रेवलेंस का एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सपोज देयर इज 150 इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एंड सडनली डे 15 आर इल्स विद अ फ्लू, वट इज़ एस्टिमेट प्रेवलेंस ऑफ द पॉपुलेशन। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि एक पॉपुलेशन आपके पास है 150 है, मीन्स मैं आपको एक कॉलेज का ले लूँ, एक कॉलेज में 150 स्टूडेंट है,
उस 150 स्टूडेंट्स में आप उससे पूछते हैं कि आप इसमें एक फ्लू का एक डिजीज़ आया, तो उस फ्लू में आपके पास कितने लोग 15 लोग इफेक्ट हुए, तो आपके पास इसमें पॉइंट प्रेवलेंस क्या होगा ये आप लोग इसको डिवाइड कर लो, 15 डिवाइड बाई 150 इज इक्वल टू 10% आपके पास आएगा, क्या आएगा 10%। सिंपल यही है कि पॉइंट प्रेवलेंस का मतलब यही है कि उसी टाइम आपके पास कितनी डिजीज़ है और टोटल पॉपुलेशन उस टाइम कितना है, तो उसको हम क्या कहते हैं पॉइंट प्रेवलेंस कहते हैं। तो आपके पास 15 लोग इफेक्ट हुए 150 स्टूडेंट्स में, तो 10% आपके पास हुआ। प्रेवलेंस आपके पास यूज़फुल फॉर किस लिए यूज़फुल होते हैं, असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन हम मालूम करते हैं, एक पॉपुलेशन है उसमें हम क्या मालूम करते हैं, उसमें हम उसकी हेल्थ स्टेटस हम मालूम करते हैं। दूसरा आपके पास क्या प्लानिंग ऑफ हेल्थ सर्विस, प्लानिंग करते हैं हम हेल्थ सर्विस के लिए कि कितना हेल्थ सर्विस हमें चाहिए और कितने डिजीज़ के लिए, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम एक को प्लानिंग इसका करते हैं। अच्छा, तीसरा आपके पास कि ऑफन द ओनली मेजरमेंट पॉसिबल विद अ क्रॉनिक डिजीज वेयर द इंसिडेंट केस कैन नॉट बी इजीली डिटेक्टेड, प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन। फिर उसमें ये होता है कि एक जगह पे उसमें आपके पास क्या होता है, एक डिजीज़ आपके पास कॉमनली डिटेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हमारे पास तब डिजीज़ हो जब हम एक ईरे का एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन का हम स्क्रीनिंग करते हैं, जब तक हम स्क्रीन नहीं करते तब तक हमें पॉपुलेशन का पता नहीं चलता है, तो इसलिए स्क्रीनिंग के बाद आपके पास क्या होता है पॉपुलेशन का पता, हाइपरटेंशन का पता, अदरवाइज हाइपरटेंशन का पता हमें नहीं चलता है। अच्छा, नॉट यूज़फुल फॉर, अब किस लिए यूज़फुल आपके पास नहीं है, क्यों यूज़फुल था, क्यों यूज़फुल आपके पास अब नहीं है। अच्छा, आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर एटियोलॉजी कन्फ्यूजन बिटवीन द रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइवल विद रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग डिजीज। हम क्या करते हैं इसमें हम रिस्क फैक्टर हम मालूम करते हैं, एटियोलॉजी हम मालूम करते हैं काज क्या है, एटियोलॉजी का मतलब कि किस वजह से डिजीज होता है उसको हम क्या कहते हैं एटियोलॉजी, मीन्स काज क्या है। कन्फ्यूजन बिटवीन द रिस्क फैक्टर ऑफ सर्वाइवल विद रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग डिजीज, सर्वाइवल और रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज दोनों को हम इसमें हमारे पास क्या है इसके लिए यूजफुल नहीं है, इसमें हम इन चीज़ों का पता नहीं चलता है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि रिस्क फैक्टर हमने सर्वाइवल का मालूम किया है, रिस्क फैक्टर हमने डेवलपिंग डिजीज़ का मालूम किया है। मेकिंग नो सेंस फॉर कंडीशन डेट आर एक्यूट और शॉर्ट ड्यूरेशन, डायरिया उसमें कोई सेंस नहीं बनता है कि शॉर्ट टर्म के लिए डायरिया हम मालूम करते हैं कि मीन्स डायरिया एक डिजीज़ है आपके पास एक जगह पर आ जाते तो स्मॉल सेंस है। ये प्रीवियसली डायरिया जो थी आपके पास लोगों में अवेयरनेस थी तो आपके पास लीडिंग काज ऑफ डेथ थी, लेकिन नॉर्मली आजकल हमारे पास डायरिया जो है ये हमारे पास एक नॉर्मल डिजीज़ है, क्योंकि डायरिया में ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे पास फ्लूइड लॉस होते हैं, फ्लूइड लॉस करने के हम ORS बनाते हैं, ORS हर घर में बन सकती है, तो इसलिए हमारे पास ये इतना वो नहीं है, तो इसलिए इसके लिए ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है। अब पीरियड प्रेवलेंस आपके पास क्या है, C+I/N, सी का मतलब क्या है प्रेवलेंस केसेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड से बिगिनिंग के टाइम पे जो केसेस आपके पास आते हैं उसको हम सी में लेते हैं। आई का मतलब क्या है कि इंसिडेंट केसेस जब आपके पास न्यू केसेस आते हैं डेवलप होते हैं उस टाइम के बीच में तो उसको हम इंसिडेंट कहते हैं। इन में नंबर ऑफ साइज ऑफ द सेम टाइम पॉपुलेशन, सेम टाइम पीरियड में जितने पॉपुलेशन आपके पास उसको हम इन में लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लें आपके पास, ये देखो ओ का मतलब क्या है डिजीज़ ऑनसेट कि डिजीज़ स्टार्ट हुआ, आर का मतलब क्या है रिकवरी हुआ, डी का मतलब क्या हुआ डेथ, एम का मतलब क्या हुआ माइग्रेट हुआ। सही, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक साल में हम लेते हैं कितने डिजीज़ आपके पास है, कितने आपके पास माइग्रेट हुए, कितने की डेथ हुई, कितने की रिकवर हुए। अब आपके पास फर्स्ट डिजीज़ जो आपके पास हुआ वो टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ रिकवर हुआ, दूसरा डिजीज़ आपके पास टाइम पीरियड के बीच में हुआ लेकिन वो रिकवर उस टाइम से बाद में, उस टाइम में रिकवर नहीं हुआ, तीसरा उसमें क्या हुआ उसमें माइग्रेट किया डिजीज़ उसको हुआ तो उसने उस जगह से क्या किया माइग्रेट किया। सही, फोर्थ अगर हम देखें उसको डिजीज़ हुआ लेकिन बाद में उसको पता नहीं चला कि उसको डिजीज़ रिकवर हुआ नहीं क्योंकि उस टाइम पीरियड से वो चल गया, T1 से T2 तक आपके पास क्या है टाइम पीरियड है। सही, T1 से T2 तक आपके पास टाइम पीरियड है, इसके बीच में हम देख लो M का मतलब क्या है माइग्रेट, O का मतलब क्या है डिजीज़ ऑनसेट, उसमें डिजीज़ ऑनसेट हुआ उसकी डेथ हो गई लेकिन बाद में डेथ हुई, डिजीज़ के टाइम पीरियड के बीच में उसकी डेथ नहीं हुई। O/R का मतलब क्या है उसको डिजीज़ हुआ, आर का मीन्स रिकवर हुआ। सही, तो ये आपके पास है तो उसको पॉइंट प्रेवलेंस एट टाइम डेथ है T1 में उसने क्या लिया है 2/10, 2/10 का मतलब है कि टोटल केसेस आपके पास 10 है तो दो केसेस आपके पास T1 से पहले हुए, T1 के आंसर से पहले कितने केसेस होते दो थे इसलिए उन्होंने 20% लिया। अब T2 तक आप उन्होंने कितने केसेस लिए 1, 2, 3 तीन केसेस आपके पास हुए T2 तक तो 38% हुआ। पीरियड प्रेवलेंस बिटवीन T1 to T2 आपके पास क्या है, ये तरीके से का मतलब ये है कि वो उस टाइम तक रिकवर नहीं हुए थे, डिजीज़ को ऑनसेट हुआ लेकिन रिकवर नहीं हुए। सही, T2 से पहले उसको डिजीज़ हुआ
और T2 तक रिकवर नहीं, तो आपके पास कितने हैं, 3 हैं। अगर आप इस डायग्राम को क्लियरली देखते तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं। अब आप T1 से T2 तक कितने डिजीज आपके पास हुए थे, ठीक हम देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजीज आपके पास इसमें हुए, तो उसका पास कितना है, 60%, कितना है आपके पास, 60% आपके पास आ जाता है। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ प्रेवलेंस एस्टिमेट आपके पास क्या है, अगेन माइग्रेशन, इन माइग्रेशन आपके पास हो जाते हैं ऑल न्यू केसेस, सही, प्रेवलेंस केसेस एग्जिस्ट एट ऑनसेट ऑफ टाइम आपके पास होते हैं, अर्ली डेथ केयर एंड आउट माइग्रेशन, लॉस, लॉस में क्या होता है आपके पास, एक आपके पास गेन होता है, गेन का मतलब क्या है कि न्यू केसेस आपके पास आते हैं वो आप गेन करते हैं, प्रेवलेंस मीन्स हमारे पास एक पहुंच है उसमें वो क्या होते हैं, जमा होते हैं। फिर आप लॉस किस किस को होते हैं, अर्ली डेथ, उसकी जल्दी डेथ हो जाती है, जिस तरह ऊपर इमेज में था एक दो की डेथ हो गई, फिर केवल वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं या वो माइग्रेट हो जाते हैं, क्या होते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। व्हाट फैक्टर कैन इंक्रीज द प्रेवलेंस, प्रेवलेंस कौन से फैक्टर आपके पास इंक्रीज करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन होगा तो प्रेवलेंस आपके पास बेटर होगा, प्रोलॉन्ग ऑफ लाइफ विदाउट केयर, वो उसकी ज़िंदगी लंबी होगी लेकिन उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, इंक्रीज इंसिडेंट उसमें ज़्यादा होते हैं, इन माइग्रेटरी ऑफ केसेस, माइग्रेटरी केसेस आपके पास उसमें आते हैं लेकिन जाते नहीं, आउट माइग्रेटरी केसेस ऑफ हेल्थी पीपल वो चले जाते हैं, इन माइग्रेटरी ऑफ सस्पेक्टेड पीपल बेटर डायग्नोज रिपोर्ट, अगर सस्पेक्टेड पीपल आपके पास उसमें इन माइग्रेट होते तो ये आपके पास बेटर डायग्नोज एंड रिपोर्ट हो सकते हैं। व्हाट फैक्टर डिक्रीज द प्रेवलेंस, प्रेवलेंस कौन से फैक्टर को डिक्रीज करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन आपके पास है, हाई केस फर्टिलिटी, हाई केस फर्टिलिटी आपके पास, केस फर्टिलिटी हमारे पास नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे ये आपके पास क्या है, डिक्रीज इंसिडेंट को कम करते हैं, इन माइग्रेटेड ऑफ हेल्दी पीपल आपके पास इनर आते हैं, आउट माइग्रेटेड ऑफ कॉज, जिन लोगों को डिजीज हो वो बाहर चले जाते हैं, इम्प्रूव द केयर रेट्स, और जो इलाज की रेट्स है वो आपके पास ज़्यादा हो जाता है। पर्सन ईयर ऑफ ऑब्जर्विंग इन 10 ईयर हार्ट डिजीज एंड रिसर्च प्रोजेक्ट आपके पास है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके पास क्या है, 30 है, लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 ईयर है, सही, टोटल आपके पास 50 है और टाइम पीरियड आपके पास 10 ईयर है, सही। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए साथ साथ में आपके पास नोट्स वगैरह होना चाहिए, सही, क्योंकि बाकी जो है जितनी भी चीज़ें वो मैथ्स हैं और उसके लिए आप लोगों को कापी और पेन हाथ में होनी चाहिए, तब आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज़ फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।